मध्य प्रदेश के ग्वालियर श्योपुर रेलखंड में काम तो काफी तेज रफ्तार में हो रहा है, पर क्या हमको यहाँ पर जल्द से जल्द ट्रेन देखने को मिलेगी? ये सवाल यहाँ पर सभी क्षेत्रवासियों के मन में जरूर से आने लगा है। लेकिन काफी लंबा टाइम भी हो गया है काम को शुरू हुए हुए, और अब जो अगर देखा जाए तो ग्वालियर से लेकर के सुमावली तक महज 30 किलोमीटर के आसपास का जो रेलखंड है वो यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। अगर हम बात करें ब्रॉडगेज रेल लाइन की तो उसका काम अभी जोरों शोरों पर चल रहा है। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर ग्वालियर श्योपुर ब्रॉडगेज रेल लाइन या ग्वालियर कोटा नई रेलवे लाइन में जो है अब यहाँ पर कितना समय और लगने वाला है, और कौन कौन से रेलखंड हमको आगे आने वाले कुछ समय बाद देखने को मिलने वाले हैं, जहां तक ट्रेन जो है वो काफी आसानी से चलने लगेगी। तो आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, ग्वालियर से लेकर के सुमावली तक अभी मेमू ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है, और इसको जो है वो यहाँ पर विधानसभा चुनाव के 1 से 1.5 महीने पहले ही शुरू कर दिया गया था, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा खासा लाभ यहाँ से देखने को जरूर से मिला था। अब बात आती है ग्वालियर से लेकर के जौरा तक का जो सेक्शन है वो कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा। अब सूत्रों की माने तो काम की रफ्तार को देखते हुए यहाँ पर 1 महीने का समय यहाँ पर अभी और लग सकता है, और उस 1 महीने के अंदर जो है यहाँ पर ट्रेन आपको जरूर से देखने को मिल जाएगी। और खबर तो कुछ ऐसी भी है कि यहाँ से जो है जौरा से कैलारस का जो सेक्शन है उसमें 2 महीने का समय और लगने वाला है, जिसके चलते यहाँ पर 3 महीने के अंतराल में जो है आपको ग्वालियर के बिरला नगर रेलवे स्टेशन से जो है, या हम यूं कह सकते हैं कि ग्वालियर शहर से जो है आपको कैलारस तक 65 किलोमीटर तक का जो पूरा सेक्शन है वो आपको पूरा ब्रॉडगेज में दिख जाएगा। जी हाँ, यानी कि 2024 के फरवरी तक आपको जो है, और 2000 फरवरी यानी कि 24 की जनवरी अंत में और फरवरी शुरुआत में जो है आपको काफी अच्छा खासा जो है एक सफर देखने को जरूर से मिल सकता है। और इसी प्रकार नई नई जो ट्रेनें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, उद्घाटन भी होगा, लंबी दूरी की ट्रेनें भी शुरू हो सकती हैं, और मेमू का विस्तार तो संभव ही है। अब इसी के साथ साथ में बात करें अगर हम श्योपुर की या कोटा की, तो कोटा वाला जो सेक्शन है जो कि श्योपुर से कोटा जो रेल लाइन है उसका सर्वे एक निजी कंपनी को दिया गया है, और वो काम भी काफी अच्छी गति से हो रहा है। अगर हम बात करें श्योपुर तक ये जो रेल लाइन है वो कब तक बन करके तैयार हो जाएगी, तो इसके ऊपर जो है वो आधिकारिक सूचना अभी हमको प्राप्त नहीं है। जैसे ही कोई नई सूचना मिलेगी, लेकिन खबर और काम की रफ्तार जिस प्रकार से चल रही है उसको देखते हुए लगता है कि 2026 तक जो है यहाँ पर श्योपुर तक पूरी ब्रॉडगेज रेल लाइन बन करके जरूर से तैयार हो जानी चाहिए। अब ये तो सरकार के ऊपर है और रेलवे एम्प्लॉयज के ऊपर है कि किस हिसाब से यहाँ पर फंडिंग होती है और किस हिसाब से जो यहाँ पर जो है काम की रफ्तार बनी रहती है। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ एक और नई इसी प्रकार काफी नई अपडेट के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।